इसमें चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का वर्णन है कि पहले वे क्या थे, पूर्व लीला में वो क्या थे। तो जो रघुनंदन ठाकुर हैं ये पूर्व लीला में क्या थे, व्यूहस तृतीय प्रद्युम्नः, ये द्वारका में जो है तीसरे व्यूह थे, चतुर्व्यूह में तीसरे व्यूह प्रद्युम्न है। रघुनंदन ठाकुर जो गौर लीला में है रघुनंदन ठाकुर, तो द्वारका लीला में क्या है, ये चतुर्व्यूह के तीसरे व्यूह हैं। पहले हैं वासुदेव, दूसरे संकर्षण, तीसरे प्रद्युम्न और चौथे अनिरुद्ध। तो तीसरे व्यूह हैं प्रद्युम्न, श्री कृष्ण के पुत्र है ना, ये विष्णु तत्व, विष्णु तत्व है ये, है ना। तो प्रद्युम्न ये द्वारका लीला में है। फिर ब्रज लीला में क्या है, प्रिय नर्म सखो भवत, ब्रज लीला में भी ये प्रिय नर्म सखा थे, श्री कृष्ण के जो बाल सखाओं में से अनेक प्रकार के सखा होते हैं, तो उनमें से प्रिय नर्म सखा सबसे ज़्यादा निकट के होते हैं। नर्म का मतलब होता है हंसी मजाक करना, तो जो श्री कृष्ण को हंसाएं तो उनकी विशेष सेवा है कि कृष्ण को हंसाते हैं, और प्रिय माने बहुत प्रिय, तो जो कृष्ण को हंसाने वाले सखा हैं उनमें से बहुत प्रिय ये सखा थे ब्रज लीला में। नाम नहीं बताया गया, हो सकता है प्रद्युम्न नाम हो, प्रद्युम्न ही नाम हो इनका। तो ये जो है इनकी क्या सेवा थी, कृष्ण को तो हंसाना ये कार्य इनका था ही, और हमेशा कृष्ण के साथ रहना ये कार्य था ही। और ये क्या करते थे, चक्र लीला सहायम यो राधा माधव योर ब्रजे, राधा माधव की ब्रज में जो लीलाएं होती थी उनमें सहायक होते, उनमें सहायक होते थे सखा, सखियां होती हैं सहायक, राधा और माधव की लीला में सखियां सहायता करती हैं। इन सखाओं में कोई कोई बहुत बिरले जिनका अधिकार होता है राधा माधव की लीला में सहायता करने का, वो ये ब्रज की लीला में हैं प्रिय नर्म सखा, और राधा माधव की लीला में सहायक सहायता करने वाले है ना। चैतन्या चैतन्या द्वैत तनु सहैव रघुनंदना, तो चैतन्य से इनका जो शरीर है अद्वैत है, यानी एक ही शरीर क्या है, विष्णु तत्व, ये विष्णु तत्व रघुनंदन ठाकुर जो है ये क्या है, विष्णु तत्व है ना। तो भगवान के जो है बहुत से ऐसे भी अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं, और वो भक्त के रूप में हैं। चैतन्य लीला में भी जो है भगवान के कई अवतार हैं, वो जो है विष्णु तत्व हैं लेकिन भक्त के रूप में, तो ये जो है वो विष्णु तत्व हैं। ये इनका जन्म हुआ था बसंत पंचमी के दिन, तो साल में हम इनको दो बार याद करते हैं, रघुनंदन ठाकुर का अग्रभाव दिवस भी आता है और सूर्यभाव दिवस तो आज है, तो दो बार याद करते हैं। लेकिन बंसीदास बाबा जी का तिरुभाव दिवस तो आता है, आविर्भाव दिवस अज्ञात है, इसलिए उनको हम साल में एक ही बार याद करते हैं, इसलिए उनकी हम ज़्यादा चर्चा करेंगे है ना। तो इनके विषय में ये बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन इनका आविर्भाव हुआ था, और नरहरि ठाकुर ने इनका बाल्यावस्था में लालन पालन किया था। ये मुकुंद मुकुंद दास के पुत्र थे, मुकुंद दास मुकुंद दत्त ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं चैतन्य की लीला में। तो ये श्रीखंड के निवासी जो तीन भाई थे, नरहरि और मुकुंद और कौन थे, तो तीन भाई थे ये, नरहरि सरकार, नरहरि ठाकुर सबसे छोटे थे और मुकुंद बड़े थे, और तीन भाई थे ये। तो मुकुंद के जो है ये पुत्र थे, और ये जो मुकुंद इनके पिता थे, ये मुकुंद दत्त नहीं हैं जो चैतन्य महाप्रभु हमेशा साथ में रहते थे और बड़े सुंदर गायक थे, वो नहीं है, ये मुकुंद दास ये वैद्य थे, ये वैद्य थे। और हुसैन शाह जो सरकार मतलब उसमें मुसलमानों की सरकार थी, मुसलमानों का शासन था, तो उसमें जो बादशाह था हुसैन शाह, उसके व्यक्तिगत क्या थे, वैद्य थे।
उसको क्या बोलते हैं, जो पर्सनल डॉक्टर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसके जो है सेवा में रहते थे बादशाह। इनका इतना सम्मान था मुकुंद दास का, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का अंग्रेजी शासन में उनको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद मिला था, है ना। बल्कि इनका और ज़्यादा मुकुंद जो है उसके जो हुसैन शाह के जो है व्यक्तिगत चिकित्सक है, राजवैद्य, हाँ धन्यवाद, राजवैद्य थे, राजा के व्यक्तिगत वैद्य थे, है ना। कितना सम्मान था, हाँ, जैसे रूप गोस्वामी का बहुत सम्मान था, सनातन गोस्वामी का बहुत सम्मान था, है ना। उसी प्रकार से मुकुंद जो है उसके निजी चिकित्सक थे हुसैन साहब के। तो नरहरि ठाकुर जो है इनका पालन पोषण करते रहे, क्योंकि इनके पिता मुकुंद को जो है ज़्यादा समय नहीं मिलता था, क्योंकि वो राजा की सेवा में रहते थे, है ना। और इनके कुल देवता थे गोपीनाथ, इनके कुल देवता थे गोपीनाथ। तो एक बार मुकुंद को किसी कारण से जाना पड़ा जल्दी, मुकुंद ही जो है अपने घर में गोपीनाथ की सेवा करते थे, उनको जो है भोग लगाना सब कार्य उनका करना था। तो एक बार जो है वो जल्दी में थे, तो रघुनंदन जो 5 साल के थे, आपको दिखाई दे रहा है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, रघुनंदन जो 5 वर्ष के थे, छोटा सा बालक 5 वर्ष का, छोटा सा बालक 5 वर्ष का बिल्कुल सरल होता है, और उसको जो कुछ आप बोलेंगे तो उसको उसी प्रकार से समझेगा कि ऐसा ही है, है ना। तो गोपीनाथ जी के बारे में मुकुंद ने ये बताया कि देखो रघुनंदन, तुमको पता होना चाहिए ये जो गोपीनाथ जी हैं ये हमारे कुल के देवता हैं, हमारे कुल के देवता हैं, और हमारे कुल में जितनी भी पीढ़ियां हैं सब जो है इनको भोजन कराते रहे, जैसे हम तुमको भोजन कराते हैं ना, ऐसे इनको भी भोजन कराया जाता है। इस प्रकार से तो वो क्या समझेगा बालक, बालक क्या समझेगा, जैसे हम तुमको भोजन कराते हैं वैसे हमारी जो है कुल में इनको भी भोजन कराया जाता है। हम भगवान ही उनको ऐसे बुलवा रहे हैं, कभी कभी भगवान इस तरह की बातें बुलवा देते हैं जो कि उसका अर्थ जो है बदल जाता है। तो मुकुंद जब इस तरह से बोले तो उसके दिमाग में छाप पड़ गया इस बात का, ये गोपीनाथ जो है कोई ऐसे मूर्ति नहीं है कि खाली देख करके ही भोग लगाएंगे, ये जो है मेरी तरह है कि मैं जैसे खाता हूँ वैसे ये भी खाते हैं। तो दिमाग में जो है वो छाप पड़ गई बालक के कि इनको जो है बड़े जो है सावधानी से, पवित्रता से हैं और प्रेम से इनको जो है खिलाना है, खिलाना है, है ना। तो ये जब कहा तो दिमाग में जो है वो पूरी बात पूरी की पूरी बैठ गई उस बालक के। और मुकुंद जो है जब चले गए, जब मुकुंद चले गए तो ये जो बालक है उसी प्रकार से जो है आया गोपीनाथ जी के सामने, और कोई नहीं, गोपीनाथ जी हैं और रघुनंदन, और बीच में जो है भोजन की थाली भोग, है ना। इस प्रकार से उसने जो है गोपीनाथ जी को जब ऐसे भोग लगाया, और गोपीनाथ जी जो है खड़े हैं, वो तो देख करके भोग लगाते ही हैं, भगवान की तो सब कर्म जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनके तो सब जन्म कर्म दिव्य हैं। तो भगवान को भोजन जो है हाथ से उठाने की और मुंह में खाने की जरूरत नहीं है, वो देख करके ही दर्शन के द्वारा ही वे भोग लगा लेते हैं और उसका टेस्ट भी ले लेते हैं, और वो जो भोजन है वो ज्यों का त्यों भी रखा रहता है, या कभी घट भी जाता है और कभी ज़्यादा भी हो जाता है। ये सब भगवान का जो है ऐसा कोई नियम नहीं है कि भौतिक संसार के जो है नियम के अनुसार वो खाएंगे तो भोजन कम हो जाएगा या भोजन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो रघुनंदन जो है अब चिंता में पड़ गए कि मेरे अंदर जो है वो प्रेम नहीं है, मेरे कुल में अभी तक जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने इनको भोजन कराया, लेकिन आज जो है वो नियम टूट जाएगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, नालायक, अपने कुल में एकमात्र नालायक मैं ही निकला,
अपने कुल में एक मात्र नालायक नहीं निकला है जो कि आज भगवान को भूखा रखेगा। इस प्रकार से वो जो है मतलब रोया, इतना मतलब व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि गोपीनाथ जी जो है अब द्रवित हो गए, गोपीनाथ द्रवित हो गए बालक की भावना पर, और उन्होंने खाया उसी प्रकार खाया जैसे रघुनंदन रोज खाते हैं, तो गोपीनाथ जी ने खाया। और उसके दिमाग में ही था कि भगवान जो है भोग लगाएंगे तो भोग लगाएंगे, तो जैसे थाली में कोई छोड़ा नहीं जाता तो बच्चों को सिखाया जाता है थाली में कोई छोड़ना नहीं, तो तो उसकी धारणा के अनुसार जो है भगवान ने भी कुछ नहीं छोड़ा। ये था माम प्रपद्यन्ते तान तथे भजामि हम, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। तो उसकी भावना के अनुसार भगवान ने जो है खाया, तो अब प्रसाद था ही नहीं, प्रसाद छोड़ा ही नहीं, और मुकुंद तो जो है यही समझ रहे थे कि प्रसाद तो हमेशा मिलता ही है, तो प्रसाद की बात उन्होंने की नहीं थी कि प्रसाद मिलना चाहिए, भोजन कराना है तुमको और हमारे कुल की परंपरा के अनुसार जो है गोपीनाथ जी को तुम्हें खिलाना है। तो जब ये बात करी थी उसी के अनुसार जो है गोपीनाथ जी ने सब भोजन पूरी थाली जो है खाली हो गई, और जब मुकुंद आए तो भगवान को गोपीनाथ जी को भोजन करा दिया, बोले हाँ करा दिया। अब प्रसाद कहाँ है, बोले प्रसाद कहाँ है, वो मुकुंद कहते प्रसाद कहाँ है, तो रघुनंदन बोला प्रसाद कहाँ है, आपने भोग लगाने को कहा था तो भोग लगाया है, अब प्रसाद कहाँ मिलेगा। अब मुकुंद जो है उस समय देखिए भक्त का जो है एक गुण है बहुत उदार होता है, एकदम से नहीं सोच लेगा कि चपत मार दूँ, ये जो है मतलब इतना झूठ बोल रहा है, खुद खा लिया ये है वो। उनके दिमाग में जो है ये विचार आया कि बालक है, सरल बालक है, हो सकता है भगवान ने कृपा की, तो मुकुंद के मन में कुछ संदेह भी रहा, बना रहा संदेह, लेकिन शिष्टाचार जैसे भक्तों का होता है और उनका नियंत्रण भी होता है, अपने मन पर नियंत्रण होता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण होता है, अपने विद्रोह मन में विद्रोह की भावना आती है उस पर भी नियंत्रण होता है, तो मुकुंद ने जो है पूरा नियंत्रण किया, संदेह तो कुछ बना रहा है, तो ऐसा है कि भाई संदेह बना रहे लेकिन तो भी आपके कार्य में कोई बाधा ना हो और कुछ अंतर ना पड़े। तो मुकुंद ने जो है कुछ भी नहीं बोला, और जैसे मुकुंद ने कहा, रघुनंदन ने कहा वैसे ही मान लिया, लेकिन मन में कुछ संदेह बना रहा। तो फिर दूसरी बार मुकुंद ने जो है रघुनंदन से कहा, अच्छा अब ये देखो ये जो लड्डू है, ये लड्डू जो है तुम अब गोपीनाथ जी को कराओ, भोजन खिलाओ, खिलाओ इसको, तो और मैं जा रहा हूँ, मुझे जो है आवश्यक कार्य है, मैं जा रहा हूँ। तो घर से बाहर निकल गए और छिप करके जो है घर के अंदर आ गए, और जो गोपीनाथ जी का जहाँ से छिप करके दर्शन हो रहा था वहाँ से दर्शन कर रहे हैं, और रघुनंदन जो है उसी प्रकार से गोपीनाथ जी के पास आया, गोपीनाथ जी के पास आया और वह प्रेम से कहा कि अब ये आप भोग लगाओ, बहुत बढ़िया लड्डू है ना। तो गोपीनाथ जी जो है खाने लगे और गोपीनाथ जी को पता चल गया भगवान है, तो भगवान की दृष्टि, भगवान को दृष्टि घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान दृष्टि को बिना घुमाए भी जान लेते हैं कि कौन कहाँ देख रहा है। तो मुकुंद को जो है जब गोपीनाथ जी ने देख लिया कि वो देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, जिनके दिमाग में ये विचार आता ही नहीं कि मैं खाता हूँ तो मुकुंद के दिमाग में विचार ही नहीं आया कि खाता है ना, तो अब कैसे खाएं। तो उनके हाथ में जो आधा लड्डू जो था वो हाथ में ही रहा, और जो मुंह में था वो खा गए और हाथ में आधा लड्डू रहा। तब मुकुंद ने जो है आकर के रघुनंदन को अपनी गोद में उठाया और गोद से और उछाला दोनों हाथ से उछाल करके बहुत जो है हर्षित हुए, बहुत नाचे, बहुत हर्षित हुए रघुनंदन की भक्ति को देख करके कि आज जो है हमारे कुल में एक ही निकला
जो कि लायक, सब लायक है, हम सब नालायक हैं। वो सब लायक है, हम नालायक। मुकुंद ने जो है इस प्रकार से रघुनंदन का जो है बहुत सम्मान किया। और भगवान चैतन्य का जब दर्शन करने के जगन्नाथपुरी गए मुकुंद रघुनंदन को लेकर के, तो भगवान चैतन्य तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। तो भगवान चैतन्य ने पूछा कि तुम दोनों में से कौन पिता और कौन पुत्र है। अब पिता पुत्र में तो अंतर वैसे देखने से पता चलता है, शरीर जो है, पुत्र का शरीर कितना छोटा है, पिता का शरीर बड़ा है। तो क्यों पूछ रहे कि तुम दोनों में कौन पिता है कौन पुत्र है? तो चैतन्य महाप्रभु हंस करके पूछ रहे थे। तो चैतन्य वो मुकुंद जो है समझ गए भगवान सर्वज्ञ हैं, और वो जो है जब ऐसा पूछ रहे हैं तो मैं उसी प्रकार उत्तर भी देना पड़े। तो मुकुंद ने उत्तर दिया कि मुकुंद ये रघुनंदन ही मेरा पिता है, इसी ने मुझे भक्ति सिखाई कि कैसी भक्ति होती है भगवान की और कैसे भगवान को खिलाया जाता है। तो भगवान चैतन्य जो है बिना कुछ बताए भी तो सर्वज्ञ है। इस प्रकार से भगवान चैतन्य जो है हंसने लगे। फिर जब ये 8 वर्ष के हुए, ये तो 5 वर्ष की लीला है, जब रघुनंदन 8 वर्ष के हुए तो इनके घर के पास एक जो है पुष्करणी, पुष्करणी का मतलब है एक छोटी सी तलैया जिसमें कमल के फूल खिलते हो, तो पुष्करणी बोलते हैं उसको। तो पुष्करणी के तट पर एक कदम का पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके इन्होंने गौर भाव अमृत स्तोत्र की रचना की। गौर भाव अमृत ये स्तोत्र जो है इन्होंने जब लिखा, वो कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके लिखा। वो कदम का पेड़ क्या था? भगवान चैतन्य का पार्षद था। तो उसके उस पेड़ के नीचे जब इन्होंने गौर भावामृत स्तोत्र की रचना की, तो वो पेड़ भी जो है देख रहा था और समझ रहा था कि ये इन्होंने क्या लिखा है। वो पेड़ है, ये भगवान के धाम के जो वृक्ष होते हैं ये जड़ थोड़ी होते हैं, हमारे अंदर जितनी चेतना है उससे ज़्यादा चेतना उनमें होती है, पेड़ों में है ना। तो गौर भावामृत जब इन्होंने लिखा था 8 वर्ष की अवस्था में, सोचिए 8 वर्ष की अवस्था में कौन स्तोत्र की रचना कर सकता है। जैसे मान लो गुरुवष्टकम स्तोत्र है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, तो ऐसा स्तोत्र जो है बहुत से स्तोत्र होते हैं, 8 साल की अवस्था में कौन लिख सकता है? कितना विशेष इनका गुण है कि उस कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके गौर भावामृत स्तोत्र इन्होंने लिखा, और फिर रोज जो है उसी कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके गाया करते थे। तो वो सुना करता था, कौन सुनता था? वो पेड़, कदम का पेड़ सुना करता था, कदम का पेड़ सुना करता था वो स्तोत्र जो ये गाया करते थे। ये आध्यात्मिक जगत के पेड़ है, इस भौतिक जगत में थोड़ी पेड़ सुन पाते हैं, है ना। हाँ, अगर हम कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कुछ आवाज़ जाती है, कुछ स्पंदन होता है उनमें पेड़ों में और उनको लाभ होता है, है? लेकिन ये आध्यात्मिक जगत का पेड़ वो तो पूरा पूरा जो है सुन रहा है, वो पेड़ पूरा पूरा सुन रहा है और समझ भी रहा है, जितना आप नहीं समझ पाएंगे वो उसको सुन, वो समझता है, वो हर इस शब्द के अर्थ को समझता है और पदों को समझता है और पूरे भाव उसमें जो भी भाव है और सब कुछ समझता है। तो वो जो कदम का पेड़ था वो एक दिन जो है स्वप्न में पार्षद रूप में उनके सामने आया। उसने कहा कि मुझे पेड़ ना समझना, मैं गौर पार्षद हूँ, भगवान चैतन्य का एक पार्षद हूँ, है ना। तो उसने इनको स्वप्न में कहा कि रोज मैं रोज, मतलब कोई मौसम की बात नहीं है कि कोई ऋतु, कोई भी ऋतु हो, रोज केवल 2 फूल दिया करूँगा। अब कोई भी पेड़ हो जब फूल आते हैं तो फूल ही फूल आते हैं, जब नहीं आते तो एक भी फूल नहीं आता। नहीं, उसने क्या बोला, केवल 2 फूल दूंगा रोज, 2 फूल दूंगा कदम के और गोपीनाथ जी के 2 चरणों में चढ़ाना। आपके घर में जो गोपीनाथ जी हैं उनके 2 चरणों में 2 फूल चढ़ाने के लिए मैं आपको 2 फूल दिया करूँगा रोज निकलेंगे 2 फूल। तो ये जो है गोपीनाथ की सेवा में वो 2 फूल चढ़ाते थे
और जब से जब तक ये रहे वहां पर तब तक वो कदम का पेड़ रोज दो फूल देता रहा। हरि बोल। तो ये जो है इनका विशेष चरित्र है। अब हम सुनेंगे बंसीदास बाबा जी के बारे में, समय तो बहुत कम है लेकिन कुछ जो है हम इनके बारे में सुनेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे इनके बारे में कि जगन्नाथ दास बाबा जी, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी और श्रील बंसीदास बाबा जी अंतरंग पार्षद हैं। ऐसे बाबा जी नाम से तो बहुत लोग हैं, बाबा जी नाम से तो बहुत लोग हैं और बड़े जो है वो गिरे हुए समाज से जो है सम्मान प्राप्त करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनका चरित्र बहुत दूषित है। तीन बाबा जी हैं जो भगवान के अंतरंग पार्षद हैं। तीन बाबा जी कौन कौन से? जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोरदास बाबा जी और बंसीदास बाबा जी, ये अंतरंग पार्षद हैं और वैष्णव बनने के इच्छुक लोगों द्वारा सदैव पूजनीय है। अगर वैष्णव बनना चाहते हैं हम तो तीनों बाबा जी का हम जो है हमेशा पूजन करें, अपने मन में पूजन करें, उनकी वाणी से पूजन करें। श्रील बंसीदास बाबा जी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जगन्नाथ दास बाबा जी का या श्रील गौर किशोरदास बाबा जी का संग किया हो, लेकिन ये सब सिद्ध महाभागवत हैं और ये वृंदावन में राधा कृष्ण के सेवकों की सेवा के आध्यात्मिक धरातल पर सदैव साथ रहते हैं। यदि इन तीन बाबा जी का जो है अगर विचार किया जाए तो भौतिक संसार में इनका कोई सरोकार नहीं, फिर भी आते क्यों हैं? नरोत्तम दास ठाकुर इसका उत्तर देते हैं, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा, अपने दर्शन से ही पवित्र करते हैं। नहीं संसार का जो है इनका कोई संबंध नहीं है, है ना, ना जो प्रचार करते हैं है ना, और ना जो है किसी से कुछ संग करते हैं कि भाई किसी से कुछ सीखें, ना किसी को सिखाते ना किसी से कुछ सीखते, तो फिर आते क्यों हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद आए तो प्रचार के लिए आए, लेकिन ये लोग जो है क्यों आते हैं? तो नरोत्तम दास ठाकुर उत्तर देते हैं, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। शुद्ध भक्त के दर्शन करने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो भक्त का महत्व तो इसके आधार पर नहीं नापा जा सकता कि कितने मंदिर बनाए या कितने शिष्य बनाए या कितनी पुस्तकों का वितरण किया। बंसीदास बाबा जी जैसे दुर्लभ शुद्ध भक्तों की उपस्थिति मात्र से ही पूरे संसार को असीम लाभ प्राप्त होता है। हरि बोल। ऐसे वैष्णवों को देखने या उनके बारे में सुनने से ही शुद्धिकरण हो जाता है। ये जो है मतलब कुछ बातें उनके बारे में हम सुन रहे हैं। इनका आविर्भाव हुआ था 1859 में, लेकिन इनका आविर्भाव दिवस इसलिए नहीं आता क्योंकि तिथि पता नहीं है। अगर मान लीजिए कि वर्ष पता है कि 1859 में इनका जन्म हुआ, लेकिन वो तिथि अगर पता ना हो तो आविर्भाव वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता, है ना। तो 1859 में इनका जन्म हुआ था और बांग्लादेश के अंतर्गत ये जो है मजीदपुर गांव, एक गांव है मजीदपुर, बांग्लादेश के अंतर्गत है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका नाम था बचपन का भैरवचंद्र इनका नाम था। और इनके कुल गुरु थे नरोत्तम दास बाबा जी। ये नरोत्तम दास ठाकुर के परिवार से संबंधित थे। नरोत्तम दास बाबा जी अपने कुल गुरु से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। और नरोत्तम दास के परिवार से संबंधित थे और अपने गुरु से इन्होंने भैरव ने भौतिक जीवन की नश्वरता के बारे में सुना, कृष्ण की महिमा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और हरि नाम की महिमा के बारे में सुना इन्होंने। और भैरव धीरे धीरे अपने गुरु के आश्रम में रात अधिक से अधिक रात बिताने लगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु रात में कीर्तन, पूरी रात कीर्तन करते थे ना, तो अपने गुरु के साथ में रात बिताने लगे, है ना। और सांसारिकता में इनकी उदासीनता को देखकर माता पिता ने इनका विवाह कर दिया। तो माता पिता जब देखते हैं ना कि ये ज़्यादा विरक्त हो गया, अब रात में जो है अपने गुरु के आश्रम में चला जाता है ना, दिन में काम करता है रात में, है ना, तो विवाह कर दिया इनका। लेकिन इससे भौतिक जीवन के प्रति इनकी उदासीनता और ज़्यादा बढ़ गई। शादी जो है करके
माता पिता सोचते हैं कि अब ये बंध जाएगा, हैं बंधन में बंध जाएगा, पत्नी के बंधन में बंध जाएगा, और पत्नी के कारण फिर जो है धन संपत्ति जमीन है समाज ये सब जो है बंधन आ जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, विवाह के बाद इनकी उदासीनता और बढ़ गई और कुछ समय बाद ही घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी और 6 महीने का बच्चा का त्याग कर दिया। बच्चा था 6 महीने का और पत्नी थी, इन्होंने घर छोड़ दिया और नरोत्तम दास बाबा जी से वेश प्राप्त कर लिया। पहले हरिनाम दीक्षा प्राप्त की थी, फिर वेश बाबा जी वेश भी इन्होंने नरोत्तम दास बाबा जी से वेश प्राप्त कर लिया और इसमें जो है इनको नाम मिला बंसीदास। तो बाद में केवल बाबा जी महाराज के नाम से इनको जाना जाता था। तो मजीदपुर में एक पंचवटी में 3 साल तक रहे, वहीं पर अपने गांव में रहे। इसके बाद पूरे भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा पर निकल पड़े और अंततः नवद्वीप पहुँचे, जहाँ शेष जीवन का जो है बिताया इन्होंने। और शरीर जब छूटना था तो मजीदपुर लौट आए, तो वहीं पर उनका शरीर छूटा मजीदपुर, मजीदपुर में इनकी समाधि है। तो ये बाबा जी महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कैसे पुकारते थे, देखिए बाकी से दुनिया वालों से इनकी बातचीत नहीं होती थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रति इनकी जो है कितनी आदर की भावना थी। क्या बोलते थे, जगन्नाथेर बिमला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्या बोलते थे, जगन्नाथेर बिमला। बिमला प्रसाद नाम था और जगन्नाथ जी की कृपा से इनको मतलब भक्ति विनोद ठाकुर को जो है ये प्राप्त हुए थे पुत्र के रूप में, तो जगन्नाथ जी की कृपा से। तो जगन्नाथ हेर बिमला इस तरह से बोलते थे इनको, है ना। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई बार नवद्वीप शहर में आते थे और इनकी कुटिया में आते थे, लेकिन कुछ दूरी पर रहते थे और दंडवत प्रणाम करते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को आते देख करके बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के बोलते थे, अरे एक मंजरी आई है। देखो ये दृष्टि जो है मतलब किसकी हो सकती है, इतनी आध्यात्मिक दृष्टि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजरी हैं, एक मंजरी हैं, तो इनको तो मतलब अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से ही पता है, हैं। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते थे और कोई आए और कोई जाए, कुछ नहीं बोलना कुछ नहीं सुनना, पागल बहरे गूंगे की तरह रहते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आते थे तो क्या बोलते थे, अरे एक मंजरी आई है, तो क्या राधा भी नहीं आएंगी, वे भी आएंगी, वे भी आएंगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देख करके, अरे मंजरी, एक मंजरी आ गई तो राधा भी आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, जरूर आएंगे, जरूर आएंगी, इस तरह से बोलते थे। ये जो है ये करीब 6 फुट लंबे थे और इनका शरीर बड़ा मजबूत था, 6 फुट लंबे थे, बाल और दाढ़ी बढ़े हुए थे, जटाएं बिखरी हुई थी, शायद ही कभी स्नान किया, शायद ही कभी स्नान किया, लेकिन शरीर पवित्र, शरीर पवित्र है ना। तो वो नहीं कि स्नान नहीं करते हैं ना तो चीलर हो जाते हैं, शरीर में चीलर हो जाते हैं और जुए शरीर में जुए पड़ जाते हैं, चीलर हो जाते हैं, है ना, स्नान ना करोगे तो। स्नान शायद ही कभी किया हो, है किसी ने नहीं देखा स्नान करते हैं, स्नान शायद क्या हो, आंखें फैली हुई थी और जांग पर सादे कपड़े के अलावा और कुछ नहीं बांधते थे, मैले कुचैले दिखाई देते थे, देखने में क्या दिखाई देते, मैले कुचैले दिखाई देते थे और कई कई दिनों तक निर्जला व्रत करते थे, पानी तक नहीं पीते, कई कई दिनों तक निर्जला व्रत करते थे और फिर भी स्वस्थ और मजबूत बने रहते। इतने लंबे थे कि पेड़ के नीचे टहनियों से बिना सीढ़ी के फल फूल तोड़ लेते थे, ऐसे हाथ बढ़ा करके तोड़ देते। अब हो सकता पेड़ भी अपनी टहनी नीचे कर दे, ये हो सकता है, भगवान की कृपा होती है तो पेड़ भी अपनी डाल को नीचे कर देता हो, तो ये जो है बिना चढ़े टहनी बिना सीढ़ी के टहनी से फल फूल तोड़ लेते थे। एक बार पेड़ से गिर गए, उसके बाद लंगड़ा करके चलते थे, फिर भी 80 साल की आयु में भी उनके साथी उनकी गति से नहीं चल पाते थे, लंगड़ा के चलते थे और 80 साल की आयु में भी इनके साथी लोग जो है इनके साथ चल नहीं पाते थे। कितना अद्भुत जो है इनका चरित्र है, कितना दुचरित्र है।
जब बीमार होते थे तो ऐसा भोजन जानबूझ के खाते थे कि रोग और बढ़े, जो चीज़ नुकसान करते उसको और जानबूझ के खाते थे। ये सब बातें हमारे लिए नहीं है कि हम नकल करें। जानबूझ के वो चीज़ खाते थे जिससे बीमारी बढ़े, फिर भी बिना बाधा के अपना भजन और यात्रा जारी रखते थे। कोई कार्य रोकता नहीं था उनका, कोई कार्य नहीं रोकता था। कई बार बाबा जी महाराज हरि के नाम पुकारते, जैसे गोवर्धनधारी हरि एकदम से पुकारते, ऊंच स्वर में पुकारते, भक्त वत्सल हरि, प्राण वल्लभ हरि, तो हरि जो है लंबा खींचते थे, जो हरि में जो रि अक्षर है लंबा खींचते थे और दीनता पूर्वक आवाज क्षीण हो जाती है, हरि इस प्रकार से बोलते थे, तो भगवान के नाम जोर जोर से पुकारते थे। अब ये जो है कभी भी अपने को मैं करके नहीं बोलते थे। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कहा, मैं वहाँ गया, तो मैं करके नहीं बोलते थे, या किसी चीज़ को मेरी कह के नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? अन्य व्यक्ति के रूप में बोलते थे। हाँ, वो कहते थे बंसीदास ने ये किया, बंसीदास ने ये वो किया, बंसीदास वहाँ गया था। वो ऐसे नहीं बोलते थे कि ये भी जो है आध्यात्मिक शब्द है ना, मैं शब्द से जो है शरीर का बोध होता है कि मैं है ना, तो अपने देहात में बुद्धि बढ़ती है मैं बोल करके। ये बंसीदास बोलते हैं तो बंसीदास तो आध्यात्मिक शब्द है ना, तो बंसीदास बोलते थे बंसीदास। हैं, कोई अच्छा नहीं लगा, बंसीदास यहाँ गया, बंसीदास वहाँ गया, इस प्रकार से बोला करते थे। और हर वस्तु को जो है बदल करके कृष्ण से जोड़ देते थे। अगर कोई व्यक्ति कहे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शब्द बोलते थे ना कोई, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, गोवर्धन, गवर्नमेंट बोलते गवर्नमेंट, गोवर्धन उसको जो है बदल करके गोवर्धन बोलते थे, गोवर्धनधारी बोलते थे। इस प्रकार कृष्ण भावना में मग्न रहते थे। कृष्ण भक्तिरस भावितामति, रूप गोस्वामी का ये जो पद है, कृष्ण भक्तिरस भावितामति, तो कृष्ण भक्ति के रस में मग्न रहते हैं, ये पद्यावली में रूप गोस्वामी ने लिखा है। इनके साथ में जो है गौरनिताई के अर्ष विग्रह रहते थे और राधा गोविंद के अर्ष विग्रह रहते थे और एक थे गोपाल। हाँ, तो कुल मिलाकर के कितने अर्ष विग्रह हो गए? गौरनिताई के दो हो गए, राधा गोविंद के दो, चार, और एक गोपाल, तो पांच अर्ष विग्रह रहते थे। तो गौरनिताई बंसीदास के प्राण थे, ये प्राण थे। कुछ भी हो जाए भला या बुरा, बाबा जी महाराज सोचते गौरनिताई ने किया ये काम, गौरनिताई की, अच्छा भी अगर कोई काम हो जाए तो गौरनिताई ने किया है, बुरा काम हो जाए तो भी गौरनिताई ने, गुण हो दोष हो सब गौरनिताई के ऊपर डाल देते, हर काम गौरनिताई के ऊपर डालते थे। हैं, तो ये जब बाहर जाते, गंगा स्नान के लिए जाएं या भिक्षा मांगने के लिए जाएं या किसी काम के लिए जाएं, तो कुटिया का दरवाज़ा खुला छोड़ करके जाते, कुटिया का दरवाज़ा खुला छोड़ करके जाते, और बार बार उनके पास जो थोड़ी बहुत वस्तुएं होती चोरी हो जाती, तो भक्तों को उन्हें बार बार दरवाजे पर ताला लगाने के लिए कहते, लेकिन उत्तर देते अगर घर का मालिक ही घर की देखभाल नहीं कर सकता तो बंसीदास क्या कर सकता है, गौरनिताई खुद ही जो है देखभाल नहीं करते अपने घर की, तो मैं क्या करूँ, अब ताला क्यों नहीं लगाते, गौरनिताई अगर घर के अंदर हैं, घर के मालिक हैं, ताला मैं कैसे लगाऊंगा, दरवाज़ा कैसे बंद करूंगा, मालिक अगर घर में है तो दरवाज़ा भी कैसे बंद कर सकता हूं मैं कि वेंटिलेशन कहां से आएगा, और गौरनिताई खुद अगर नहीं देखभाल करते तो बंसीदास क्या करेगा, अपने को नहीं बोलते मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ, तो बंसीदास क्या करेगा, अगर घर के मालिक अगर घर की देखभाल नहीं करते हैं तो बंसीदास क्या करेगा। गौरनिताई को और इशारा करके कहते, अगर घर के लोग ही चोर हैं, अगर घर के लोग ही चोर हैं तो ताला लगाने का क्या फायदा है, यानी कोई चोर आए उसको चोरी करने दें तो ये भी तो मतलब चोर की संगति में क्या हो गए, चोर हो गए, तो गौरनिताई खुद ही जो है चोरी करवाते हैं तो ये भी तो चोर की संगति में चोर हो गए, तो घर के लोग ही अगर चोर हैं
हैं, तो ताला लगाने से क्या फायदा, ऐसा बोलते थे हैं। तो कई बार इनकी गैर मौजूदगी में गौएं कुटिया में घुस जाती थी हैं। अगर दरवाजा भी बंद कर दें, साकल लगा दें, तो गाय नहीं आएगी, साकल कैसे लगाएं, दरवाजा खुला रखें तो गौएं घुस जाती, सब कुछ उथल पुथल कर देते हैं। कई बार तो गौएं विग्रहों को भी गिरा देते हैं। वापस लौटकर बाबा जी महाराज गौ नेताई को डांटते हैं, गौ नेताई को डांटते, भोला बुरा कहते हैं, सब कुछ दूसरे लोगों को दे दो, बंशीदास तो पराया है, सब कुछ दूसरों को दे दो, कोई आता है चोरी करके ले जाता है तो तुम दे देते हो, बंशीदास तो पराया है, बंशीदास तो पराया है ना। इस प्रकार से गौर नेताई को डांटते थे, सबको दूसरों को दे दो तो दूसरे लोग हैं वो तुम्हारे अपने हैं, और जो तुम्हारा अपना है वो उसको पराया समझते, मैं पराया हूँ, इस प्रकार से डांटते थे गौर नेताई। इनके प्राण थे, कुछ भी हो जाए भला बुरा गौर नेताई के ऊपर ही सब दोष और गुण सब गौर नेताई का ही है। गुणगान है तो गौर नेताई का ही करेंगे, और दोष बताएंगे तो गौर नेताई का ही बताएंगे। एक बार जब उनकी कुटी से खाना पकाने के पीतल के दो बर्तन चोरी हो गए, पीतल के दो बर्तन चोरी हो गए, तो गौर नेताई को डांटा, उनको बिल्कुल खाना नहीं दिया, अब तुमको नहीं मिलेगा कि तुमने जो है चोरी करा ली, अपने ही बर्तन तुमने चोरी करा लिए, हाँ और इन्हीं में तुमको भोग लगाता था, अब तुमको भोग लगेगा नहीं। गौर नेताई को डांटा, अब तुमको भोग नहीं लगेगा, तुमने जो है चोरी करवा दी उनकी। अगले दिन किसी ने एक बर्तन दान में दिया, तो बाबा जी महाराज का ये छोटा बर्तन तो नेताई का है, तो नेताई को भोग लगेगा, गौरांग तुमको भोग नहीं लगेगा। तो आज नेताई को तो भोजन मिलेगा, और गौर को और खाना है तो अपना बर्तन तुम भी लाओ। तो जब भोग लगाए, नित्यानंद को भोग लगा, गौर जो है अपना देखते रहे, तो फिर दूसरे दिन एक बर्तन आ गया, गौर के लिए नहीं बर्तन आ गया। कई लोग बाबा जी महाराज के पास उपहार के रूप में फल सब्जियां लेकर के आया करते थे, शिष्टाचार है। कोई साधु के पास जाओ तो कुछ है, फल है, सब्जी है, कुछ सेवा है, हैं देना चाहिए। तो फल सब्जियां लेकर के आते, और बाबा जी महाराज उन्हें कुटी की एक कोने में ढेर बना करके रख देते, ढेर लगा रहता, फल है सब्जी है सब ढेर लगा रहता, और थोड़ा सा प्रयोग करते और थोड़ा थोड़ा दर्शनार्थियों को बांट देते, और बचा हुआ जितना रहता था एक काली गाय रोज आती थी और खा जाती थी, कोई भी मतलब बेकार नहीं जाता था कि सड़े, सड़ता कुछ नहीं था, एक काली गाय जो है आकर खा जाती थी, सफाई हमेशा बनी रहती थी। एक बार विश्वंभर मायापुर से एक बहुत सुंदर पपीता लाए, एक भक्त थे मायापुर से लाए है ना, पपीता लाए, और उन्होंने इसे एक पेड़ में उगते हुए देखा, और कई सप्ताह से उसको फलते फूलते देख रहे थे। जैसे पपीता पक गया तो अनंत विश्वंभर एक सीढ़ी लाए, पपीता तोड़कर बाबा जी महाराज के पास लाए। तो कितने सप्ताहों से वो जो है देख रहे थे, पेड़ में पक रहा है, पेड़ में पक रहा है, आजकल तो इतना कोई नहीं देखता है, तुरंत इंजेक्शन लगा देते हैं और पका देते हैं ना, तो पके हुए पपीते आते हैं, अंदर बीज भी नहीं है उसके, और ऊपर से पक गया, चाहे स्वाद भी ना हो उसको, लेकिन वो बिक रहा है, हैं। लेकिन वो अनंत विश्वंभर जो है बाबा जी महाराज को पेड़ का पका हुआ पपीता देना चाहते थे, तो रोज कई सप्ताहों से वो देख रहे थे, अब कितना पका, अब कितना पका, अब कितना पका, अब जब पूरा पक गया तो नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, तो सीढ़ी लगा करके बड़े जो है आसानी से तोड़ कर गए, और फिर इनकी सेवा में लाए। अब उन्होंने तो कुछ नहीं बताया कि मैं कितना इसमें मैंने परिश्रम किया या इसकी चिंता की है कि पपीता पेड़ में कैसे पकेगा, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इनको जो है पता चल गया। तो बाबा जी महाराज ने वो पपीता उन्हीं फल सब्जियों के ढेर में रख दिया, और जल्दी काली गाय आई, उसने खाना शुरू कर दिया, और जैसे ही पपीता खाने लगी तो बाबा जी महाराज ने तुरंत छीन करके ले लिया उसको, तो पपीता, इस पपीता में कितना प्रेम था किसी व्यक्ति का। फल सब्जियां तो लोग लाते हैं तो बाजार से खरीद करके ले आए, दे दिया, तो उसका इतना महत्व नहीं है,
ये वो जो पपीता है वो मायापुर से लाए थे और अपने घर से अब कितने सप्ताहों तक रोज उसका चिंतन करते रहे, पपीता का दिन रात चिंतन करते रहे, फिर सीढ़ी लगा करके तोड़ के लाए पपीता। तो ये जो है इनको पता चल गया कि इस पपीता में कितना जो है सेवा की भावना है। तो गाय को नहीं खाने दिया और ले लिया, वो तो गाय खा रही थी, गाय के मुंह में जो कुछ आया सब खा ले। तो जैसे मुंह में आया है उन्होंने तुरंत छीन लिया कि ये नहीं खाने दूंगा तुमको, ये मैं खाऊंगा। हरिओ, उन्होंने जो है पपीता नहीं खाने दिया, छीन लिया। उन्हें पता था अनंत विश्वंभर बहुत प्रेम से पपीता लाए थे और ये नहीं चाहते थे गाय उसे खाए, वो तो मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा पपीता, ये भावना। एक दिन उनकी कुटिया में एक व्यक्ति नया मनगढ़ंत प्रसिद्ध मंत्र गाने लगा। एक नया मनगढ़ंत प्रसिद्ध मंत्र, ऐसे बहुत से नए मंत्र हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं और मनगढ़ंत हैं, प्रामाणिक नहीं है। जैसे ये क्या है, निदाई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, क्या ऐसे ही है ना, निदाई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, ये क्या है, नया मनगढ़ंत प्रसिद्ध मंत्र, बहुत प्रसिद्ध है और नया है, पहले से नहीं था और बड़ा प्रसिद्ध है। तो कोई व्यक्ति जो है इनकी कुटिया में नया मनगढ़ंत प्रसिद्ध मंत्र गाने लगा तो बंसीदास ने कहा ये नाम बोलने की यहाँ अनुमति नहीं है। क्या बोले, इस नाम को बोलने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। फिर क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये मंत्र जो है मनगढ़ंत नहीं है और नया नहीं है ना, प्रसिद्ध है ये लेकिन मनगढ़ंत नहीं है और नया नहीं है। तो कोई भी आप नया मंत्र गाने लगो जो कि मनगढ़ंत हो, है ना, तो ये जो सिद्ध महात्मा लोग है ना वो बिल्कुल मना करते, वो नहीं इस तरह से सुनना चाहिए। एक व्यक्ति ने सार्वजनिक घोषणा की, ये सब लीलाएं नवदीप की हैं। एक व्यक्ति ने सार्वजनिक घोषणा की मतलब सब जगह ऐलान कर दिया, डुग्गी पिटवा दी, सब जगह डुग्गी पिटवा दी कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उसके सपने में आकर उसे बताया है कि नवदीप की एक विशेष जगह उनका जन्म स्थान है। उसने डुग्गी पिटवा दी कि मुझको जो है सपना दिया चैतन्य महाप्रभु ने, एक विशेष स्थान है चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले से ही ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे कर लिए थे कि महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर में, भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले से ही है निश्चित कर दिया। और जगन्नाथ दास बाबा जी ने भी पुष्टि की थी, जगन्नाथ दास बाबा जी उसमें नृत्य करते रहे, है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने भी कहा, गौर किशोरदास बाबा जी ने भी कहा जिन महान भक्तों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज की है उनकी बात माननी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को सपना आया कि फला जगह चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, इसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। जिन लोगों को लीला स्थलियाँ प्रकट होती हैं वे लीला स्थलियों को ढूंढने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करते। अब ये व्यक्ति जो है पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने जो है बात बना रहा है कि मुझे सपना दिया चैतन्य महाप्रभु, जैसे बहुत जो है गैर प्रामाणिक लोग होते हैं, मुझे सपना दिया चैतन्य महाप्रभु, अगर सपना दिया चैतन्य महाप्रभु ने तो कुछ इस प्रकार का सपना हो, जैसे माधवेंद्रपुरी को सपना आया कि गोपाल जी बोले मैं यहाँ पर हूँ, तो झाड़ियों का रास्ता काट काट करके मनुष्य जा नहीं सकता, कुल्हाड़ी से काट काट करके वहाँ जब देखा तो झाड़ी में वो गोपाल जी मिले। अगर सपने में अगर भगवान कुछ अगर बताएं कोई बात तो वो ऐसी बात भी होनी चाहिए जो अन्यथा कोई नहीं जान सकता, ऐसी बात होनी चाहिए। ऐसे कई जो है बातें हैं जो सपने में भक्तों को आती हैं और वो बात जो है बिल्कुल कोई नहीं जान सकता लेकिन वो मतलब होती हैं। ये चंडीगढ़ का एक भक्त था अमन,
तो उसको जो है भगवान जो नर्तक नर्तक चेतन नर्तक निमाई उनको कैसे प्राप्त हुए, वो बार बार सपने में आते थे कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, और परिक्रमा भी तुम्हारी आएगी उस दिन आएगी। वो नर्तक निमाई जो है उनको बार बार सपना दे रही, तो वो कुछ बात होती। लेकिन ऐसे जो है अपने जो है केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए कि भाई इस स्थान में चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान अगर मैं सबको बताऊंगा तो लोग पैसा चढ़ाएंगे तो मेरा जो है क्या हो गया हाँ ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे बताया, सब ने बताया, तो वही चीज़ होती है। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक अनुयायी ही उनका जन्म स्थान स्थापित कर सकते हैं। जिस तरह श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इस लीला स्थली की खोज की है उसे प्रामाणिक मानना चाहिए। जब श्री गौर किशोरदास बाबा जी ने यह घोषणा की उसके अगले ही दिन श्रील बंसीदास बाबा जी हाथ में फावड़ा लेकर उस गलत जन्म स्थान पर गए, उसके सामने की बाढ़ को नष्ट कर दिया। बंसीदास बाबा जी ने वो बाढ़ जो लगाई थी उसकी उसको फावड़ा से नष्ट कर दिया बंसीदास बाबा जी। मतलब ये लोग जो है ऐसे जो है जो सामान्य जन सामान्य को ऐसे भ्रमित करते हैं। तो कलयुग में है ही है कि प्रभुपाद कहते थे कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, ये संसार जो है धोखा देने वालों से और धोखा खाने वालों से भरा हुआ है। तो जो धोखा खाना चाहते हैं उनको धोखा देने वाला मिल जाता है। तो ये जो बड़े महान आचार्य हैं ये धोखा नहीं खाते किसी से। गौर किशोर बाबा जी ने कड़ा विरोध किया कि गलत है ये, चैतन्य महाप्रभु ने सपना दिया इसको कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि जन्म स्थान है ना, अगर सपना दिया तो जगन्नाथ दास बाबा जी हैं को पता चलता, भक्त विनोद ठाकुर को पता चलता, और कितना जो है मतलब उसमें प्रमाण मिले, भक्त विनोद ठाकुर ने कितने प्रमाण दिए, जगन्नाथ दास बाबा जी उसमें जो है नृत्य कर रहे हैं उस स्थान में हैं प्रेम से नृत्य कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है बिल्कुल भी इस तरह की जो गैर प्रामाणिक बातें हैं उनको जो है जरा भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। अब बंगाल में हिंदू लोग एक दूसरे पर फागू फेंक करके होली मनाते हैं, रंगीन पाउडर होता है चूर्ण उसको फेंक करके होली मनाते हैं। जब लोगों को पता चला बाबा जी महाराज विरोध नहीं करते तो कई लोग जो है उन पर फागू फेंकने आए। गौर पूर्णिमा मनाने के लिए सारा दिन ये मौन रहते थे। अब लोग तो होली मनाते हैं और इनकी भावना है गौर पूर्णिमा का दिन, जिसको हम लोग गौर पूर्णिमा कहते हैं। पूरी दुनिया जो है उस दिन लोग होली मनाते हैं, तो लोग तो होली मान करके इनके ऊपर जो है वो गुलाल फेंकने आते हैं, इनके ऊपर गुलाल डालने आते हैं, है ना। लेकिन ये जो है गौर पूर्णिमा की भावना में मौन रहते, पूरा दिन मौन रहते और निर्जला व्रत रखते, अपनी कुटिया में शांत बैठ जाते और धीरे धीरे एक जो है रंगीन पाउडर की एक पहाड़ी से ढक जाते थे। लोग जो है मतलब जब देखते भाई ये विरोध नहीं करते हैं तो रंगीन चूर्ण जो है डालते थे इनके ऊपर, तो सब जो है डाल करके जाते हैं तो शाम तक क्या होता था पूरा यहाँ से यहाँ तक पहाड़ी बन जाती उनके ऊपर, ढक जाते थे। बाबा जी महाराज किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे, फिर भी एक गौर पूर्णिमा के अगले दिन गौरांग के जन्म के उपलक्ष्य में जगन्नाथ मिश्र उत्सव का स्मरण करके इतने भावावेश में आ गए कि कल्प वृक्ष की तरह उदार बन गए। उस समय सैकड़ों लोगों ने इनकी चरण धूलि प्राप्त की। जगन्नाथ मिश्र उत्सव में जो है इतने उदार हो गए हैं कि फिर किसी को मना नहीं किया तो चरणों की धूल बहुत लोगों ने प्राप्त की। एक बार बंसीदास ने गंगा पर एक नाविक को एक वैष्णव भजन गाते देख सुना, नाव चला रहा है और वैष्णव भजन गा रहा है, जिसका अर्थ है मेरे हृदय में एक भाला प्रवेश कर गया। मतलब वो प्रेम का गीत है ना, कृष्ण प्रेम का गीत है वो, तो उसमें क्या था कि मेरे हृदय में एक भाला प्रवेश कर गया है, मैं ना तो मरा ना ही मैं जी सकता हूँ। इस भजन में कृष्ण विरह के भाले को जख्म के समान बताया गया है। लेकिन बाबा जी महाराज ने उस नाविक से कहा तुम गा तो रहे हो लेकिन तुम्हें इसका मतलब पता नहीं। वो कृष्ण प्रेम का गीत है जिसमें वो भक्त जो है बोल रहा है कि ना मैं मरा और ना मैं जिंदा रह सकता हूँ,
ना मैं मर सकता हूँ ना मैं जिंदा रह सकता हूँ। कृष्ण प्रेम अमृत है तो मरने नहीं देता, है ना। और विरह जो है विस्कित है जो मुझे मार रहा है, तो ना मैं मर पाता हूँ ना मैं जी पाता हूँ। तो वो भजन जो है वो गा रहा है और नौका चला रहा है, तू तो अपनी मस्ती में गा रहा है। तो ये उसको बोले कि तुम गा तो रहे हो लेकिन तुम्हें इसका मतलब पता नहीं है, बिना किसी अनुभूति के तुम गाने का मजा ले रहे हो, लेकिन जब मैं सुनता हूँ तो मेरा हृदय बन जाता है। तुम गा रहे हो तो मेरा हृदय उसमें क्या है, तीर की तरह लग रहा है मुझे। तो भजन के शब्द हैं इनके शुद्ध हृदय में वो कृष्ण प्रेम का वो लगता है, घाव लगता है। तो कहते मेरे हृदय में तो घाव लग रहा है और तुम जो है मजा ले रहे हो गाने का। तुम तो गाने का मजा ले रहे हो, तुम तो केवल गा रहे हो लेकिन मेरा हृदय फटा जा रहा है। उसी तरह से है ना, श्रीवास ठाकुर जैसे भागवत कथा सुनने के लिए गए हैं तो देवानंद पंडित भी बिल्कुल जीरो और उनके शिष्य भी जीरो। वो कथा सुन रहे हैं, वो कथा सुना रहे हैं, शिष्य गुरु तत् सब जीरो। और श्रीवास पंडित जो है रो रहे हैं, बहुत क्रंदन कर रहे हैं भागवत के उस कथा को सुन करके। तो वो प्रेमी भक्त। उसी प्रकार से बंसीदास बाबा जी उसके भजन को सुन रहे हैं तो कहते हैं मेरे हृदय में तो वो जो है वो फट रहा है मेरा हृदय, और तुम तो मजा ले रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या गा रहे हो। ऐसे कहा। अक्सर आने वाला एक दर्शनार्थी बाबा जी महाराज से बार बार पूछता था हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी उत्तर नहीं मिला। दर्शनार्थी बार बार पूछता था कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उत्तर मिला नहीं। अंत में एक दिन बाबा जी महाराज ने उसको बहुत गहराई से देखा और पूछा तुम क्या चाहते हो। बाबा जी महाराज ने गहराई से देखा उसे, तुम क्या चाहते हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। तो बाबा जी महाराज ने कहा रो। क्या कहा? रो, अगर पाना चाहते हो तो रो। जैसे बच्चा है ना, कुछ ही पाना चाहता है तो कितना रोता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो भगवान भी तो हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो देखेंगे कि हम उनको पाना चाहते हैं और हम हैं, किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है तो हमें कैसा लगता है, हैं? आप मेरे सामने हैं और आप सामने नहीं आ रहे हैं, हैं? भगवान चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु रोते थे कहाँ हैं कृष्ण, कहाँ हैं कहाँ हैं कृष्ण। तो बोले रो। जब एक भक्त ने इनसे पूछा आप बहिर्वास क्यों नहीं पहनते, बहिर्वास क्यों नहीं पहनते, बहिर्वास समझते हो, कॉपियाँ तो वो है शरीर को जो है मतलब पहनने के लिए, गुप्तांग ढकने के लिए, ये एक बहिर्वास भी होता है जो कि पहनते हैं सन्यासी लोग। तो उनसे पूछा आप बहिर्वास क्यों नहीं पहनते, तो बाबा जी महाराज उत्तर दिया मैं केवल का रखता हूँ, बात से कोई संबंध नहीं है। का मतलब है एक कॉपिन, तीन का है मेरे पास, एक कॉपिन है और दूसरा है करंग यानी पानी का लोटा, कमंडलू समझ लो कमंडलू, और तीसरा है कंथा एक कंबल। बस मेरे पास तीन का है, बा नहीं है, बा का मतलब बहिर्वास। तो बहिर्वास और बहिरंग से मना किया चैतन्य महाप्रभु ने, मना किया बहिरंग से, मैंने बाहर के लोगों का संग नहीं मैं करता हूँ तो बहिर्वास नहीं पहनता हूँ। तो बहिर्वास का दूसरा अर्थ निकाल लिया कि बहिरंग। इस प्रकार से काफ़ी इनके संबंध में है, बहुत है इनके संबंध में बातें हैं। तो अभी हमारे पास समय का अभाव है तो आप लोगों की ओर से फिर भी एक कोई प्रश्न हो, एक दो प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या कोई चर्चा हो तो कर सकते हैं आप लोग, या मैं प्रश्न पूछूँ, मैं प्रश्न करूँ, ठीक है तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो एक व्यक्ति जो है बार बार आता था, उनसे पूछता था कि भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अब हम लोग तो उत्तर देंगे शास्त्रों से, तो बहुत बातें बोलेंगे हम, तो बहुत बातें बोलेंगे शास्त्रों से, भाई महामंत्र का जाप करो, नियमों का पालन करो, एकादशी के व्रत करो, ये सब उत्तर देंगे, है ना। तो ये तो उत्तर ही नहीं देते थे, और जब उत्तर देने लगे तो क्या पूछे, तुम क्या चाहते हो। एक दूसरे भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, यार हमारी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान को प्राप्त किया जाए ऐसे हम पूछ रहे हैं, जैसे कि भाई ये किताब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कितनी कीमत है। उन्होंने बताया 2 रुपए की है, बस चल दिए, लेना तो है ही नहीं, हाँ
तो इस तरह से भी हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं कि मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी चल जाएगा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई पूछता है तो उसको अंदर इच्छा है नहीं प्राप्त करने की, 1% इच्छा है और 99% इच्छा है तो सब माया को प्राप्त करने की। तो उन्होंने मतलब गहराई से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो जब वो बोला मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, तो क्या उत्तर दिया? रो, सीधा। तो ये जो है मतलब ये ऐसे जो महापुरुष लोग होते हैं वो बहुत ऊंचे धरातल के होते हैं। हम लोग तो व्यक्ति को साधन भक्ति सिखाते हैं कि भाई आया करो, यहाँ सुना करो, ये सब चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन इन लोगों का जो है मतलब बहुत गहरा उत्तर होता है और दर्शन से ही पवित्र करते हैं। और उसको जो उत्तर उत्तर मिला तो सोचता रहा कि क्या उत्तर दिया, उसके दिमाग में छाप कर है ना। श्री बंसीदास बाबा जी तेरह भाव दिखी महाभोत्सव की, श्री रघुनंदन ठाकुर तेरह भाव दिखी महाभोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।